हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और एक फ्रेंड, आप लोग अभी एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ गया है और एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है, आपको पता ही होगा। लेकिन पता चल चुका है कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर किसकी जगह हो सकता है, वो मैंने वीडियो डाला था तो आपने देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको कि रुकिए नहीं, रुकिए नहीं। आप, हो सकता है जीत का सिलसिला अभी शुरू हुआ होगा। रुकिए नहीं, हो सकता है जीत का सिलसिला अभी शुरू हुआ होगा। हाँ फ्रेंड्स, अभी आपका जीत का सिलसिला शुरू हुआ है फ्रेंड, तो बिल्कुल भी रुकिए मत और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, आप जो है, आप जब जिस टाइम स्टडी करते हो बाकी अदर्स टाइम में आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आप सुनते रहो मेरे चैनल जियो एडुकेशन गुरु को। और जो मैं टेस्ट सीरीज आपको करवा रही हूँ और उसका विस्तार में मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को इस वीडियो के बाद कोशिश करूँगी कि एक में ही 50 क्वेश्चन कराऊं और मॉक टेस्ट थोड़ा फास्ट करवाऊं ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर सको। तो फ्रेंड्स, अगर आपने, मैंने अब ये पार्ट इकोनॉमिक्स का 7 है, मैंने 1 से 6 तक करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाके देख ले फ्रेंड्स। और एक ही बात आप बोल रहे होगे, कितना मैम बार बार बोलती है, तो मैं इसलिए बोलती हूँ फ्रेंड क्यों नोटिंग नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना जरूरी है। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का टेस्ट सीरीज नंबर 7। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या क्या होगी, अत्यधिक होती है, एकमात्र विक्रेता होता है, सीमित विक्रेता होते हैं, या इनमें सभी सत्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, 151 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता जो है ना, बाजार की आदर्श स्थिति को दर्शाता है। विक्रेता बाजार में बेचने वाले लाभ की स्थिति में रहता है, और विक्रेता बाजार में बेचने वाला कम और खरीदने वाला अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं क्या होगी, तो अपूर्ण प्रतियोगिता में समरूप होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, वजन एवं गुण में समान होती हैं, वस्तुओं का पैकिंग एक समान होता है। तो फ्रेंड्स, इसका बी हो जाएगा, अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएँ क्या होगी, भिन्न भिन्न होती हैं। और अपूर्ण प्रतियोगिता जो है सीमित होता है। क्रेता बाजार में खरीदने वाला लाभ की स्थिति में होता है। बाजार का साम्य अवस्था में क्रेता और विक्रेता के बीच संतुलन स्थापित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एकाधिकार की स्थिति में क्रेताओं की संख्या क्या होगी, अत्यधिक होती है, अनेक होती है, दो होती है, एक होती है? तो फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा, एक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या होती है, तो इसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या क्या होगी, बहुत अधिक होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें क्या है, अपेक्षाकृत कम विक्रेता तथा वस्तु विभेद। अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या होती है, अपेक्षाकृत कम विक्रेता और वस्तु विभेद। अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बाजार क्या होगा, असंतुलित होती है। इस स्थिति में क्रेता और विक्रेता के बीच में क्या होता है, संतुलन का अभाव होता है। यानी ये क्रेता है और ये विक्रेता है, इन दोनों के बीच संतुलन का क्या होगा फ्रेंड्स, अभाव हो जाता है। ठीक है, और इस स्थिति में बाजार में मांग और पूर्ति के बीच संतुलन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बाजार क्षेत्र के अनुसार है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। निम्नलिखित में कौन सा बाजार क्षेत्र के अनुसार है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार, फुटकर बाजार, विशिष्ट बाजार या अल्पकालीन बाजार। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो होता है वो क्षेत्र के अनुसार होता है। देखिए, बाजार जहाँ क्रेता और विक्रेता के बीच आदान प्रदान होती है, बाजार की आदर्श अवस्था पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है। नेक्स्ट है, 157, निम्नलिखित में कौन सा बाजार समय के अनुसार होता है, प्रांतीय, थोक, दीर्घकालीन बाजार या अपूर्ण बाजार। तो देखिए, इसमें दीर्घकालीन बाजार जो होती है वो समय के अनुसार होता है। बाजार दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, पहला होता है दीर्घकालीन बाजार और दूसरा होता है अल्पकालीन बाजार। ठीक है, विश्व का जो सबसे बड़ा बाजार है वो क्या है, न्यूयॉर्क है। सबसे बड़ा मंडी कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। राष्ट्रीय बाजार में वस्तु के विक्रेता होते हैं, क्या होते हैं, पूरे देश भर में फैले हुए होते हैं। देखिए,
जो राष्ट्रीय बाजार में वस्तु के विक्रेता पूरे देश में फैले होते हैं। प्रांतीय बाजार राज्यों के स्तर पर बाजार है, क्षेत्रीय बाजार क्षेत्रों के स्तर पर बाजार होती है, और स्थानीय बाजार जो होता है स्थान विशेष से जुड़ा हुआ बाजार होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 159। हरी मछली हरी सब्जी का बाजार जो होता है वो क्या है, तो स्थानीय बाजार होगा। ठीक है, जो मछली वगैरह का जो होता है वो स्थानीय बाजार होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राष्ट्रीय बाजार और राज्य स्तरीय बाजार अधिक संगठित बाजार का उदाहरण है, और स्थानीय बाजार असंगठित बाजार का उदाहरण है। ठीक है, इसमें भी संगठित असंगठित है। जो स्थानीय बाजार होगा ये क्या कैसा बाजार होगा फ्रेंड्स, असंगठित होगा। ठीक, नेक्स्ट है 160। पैमाने के प्रतिफल का अर्थ होता है, तो पैमाने के प्रतिफल का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा जब उत्पादन में प्रयुक्त सभी साधनों के अनुपात में वृद्धि समान रूप से होना है। ठीक है, पैमाने के प्रतिरूप का अर्थ होता है उत्पादन में प्रयुक्त सभी साधनों के अनुपात में वृद्धि समान रूप से हो। उत्पादन में किया गया खर्च लागत कहलाता है, जो उत्पादन में खर्च किया जाता है वो लागत कहलाता है, और नियत लागत बंधी लागत का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का आशय क्या है, तो इसका होगा सी, जिस अनुपात में साधन बढ़ाया गया उसकी अपेक्षा अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़े। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल का आशय है जिस अनुपात में साधन बढ़ाएगा उसकी अपेक्षा अधिक का अनुपात में उत्पादन बढ़े। और देखिए प्रतिफल का अर्थ होता है प्राप्त आय लाभ। बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है, कृषि का विकास, ग्राम्य उद्योगों का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, तो इनमें से सभी जरूरी है। बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आपको कृषि का विकास भी होना चाहिए, ग्राम उद्योगों का विकास भी होना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण, तभी जाके विकास संभव है। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है, तो देखिए कितने दिनों के लिए किया है, तो इसका हो जाएगा 100 दिनों के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ फ्रेंड, 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के बंदनापल्ली गांव से तत्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको प्रारंभ किया था। नरेगा अधिनियम 2005 में बनाया गया, और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सिफारिश पर नरेगा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ, तो कब लागू हुआ था, फरवरी 2006 में हुआ था। ठीक है, और लागू हुआ था फरवरी 2006 में, लेकिन 2014 में विश्व बैंक ने मनरेगा को अपनी तरह का विश्व का सबसे बड़ा योजना माना था। नरेगा को मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में नाम दिया गया। नरेगा का नाम क्या हो गया, मनरेगा। कब हुआ, 2009 में इसको बदल दिया गया, सिर्फ 2009 मत याद रखिएगा, 2 अक्टूबर भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 165 नंबर। काम के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई थी, तो काम के बदले जो अनाज है ये नवंबर 2004 में आरंभ हुई थी। काम के बदले अनाज योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लागू हुआ था फ्रेंड्स, कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था, तो देखिए भयानक अकाल जो है बंगाल में पड़ा था 1943 में। बंगाल में प्रथम अकाल अंग्रेजी शासन काल में 1770 से 72 ईस्वी में आया था, और स्ट्रेजी आयोग की रिपोर्ट पर अकाल कोड 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है 167। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का अंग है, तो कौन सा होगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये दोनों ही हो जाएगा। निर्धन में भी निर्धनतम व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई है, तो देखिए सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की गई है फ्रेंड्स, कौन सी योजना आरंभ की गई है, अंत्योदय अन्न योजना। नेक्स्ट है हमारे देश का कौन सा वर्ग निर्धनता से अधिक भेद होता है, तो ये जो है हमारे देश का कौन सा वर्ग होगा, कृषि श्रमिक और अनियमित मजदूर, दोनों जो है
निर्धनता से अधिक भेद होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको, ये इसका आपका हो जाएगा 2000। फ्रेंड्स इसका बी होगा, ठीक है, 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को भोजन में प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। योजना आयोग ने गरीब के निर्धनता के लिए कैलोरी को आधार बनाया है। प्रोफेसर लकड़वाला समिति, ठीक है, कौन सा समिति? लकड़वाला समिति, 1989 ईस्वी में बनाया गया था योजना आयोग द्वारा। और प्रोफेसर लकड़वाला समिति ने शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी एंड 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से कम प्रतिदिन उपभोग करने वाले को गरीब माना है। नेक्स्ट है, देखिए शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए? तो मैंने अभी बताया आपको कितनी कैलोरी चाहिए फ्रेंड्स, 2100 कैलोरी चाहिए। ठीक, सरकार द्वारा वर्ष 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों के एक व्यक्ति के लिए प्रति माह निर्धनता रेखा की राशि क्या निर्धारित की गई है? तो देखिए क्या निर्धारित की गई है, इसका हो जाएगा 356 रुपया। सरकार द्वारा वर्ष 2005 में ही 2005 में शहरी क्षेत्रों के एक व्यक्ति के लिए प्रति माह निर्धनता रेखा की राशि 538 निर्धारित की गई थी। 2011 और 12 में भारत में गरीबी के मापदंड के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति माह 816 और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा 2005 में शहरी क्षेत्रों के एक व्यक्ति के लिए प्रति माह निर्धनता रेखा की राशि क्या निर्धारित की गई है? तो देखिए शहरी क्षेत्रों में जो की गई है वो सी हो जाएगा, 538 हो जाएगा शहरी क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था, स्फीति अनुचित है परंतु अस्फीति अविवेकपूर्ण है, दोनों में से अस्फीति बुरी है? तो ये जे एम किन्स ने कहा था। जे एम किन्स ने कहा स्फीति अनुचित है परंतु अस्फीति अविवेकपूर्ण है, दोनों में अस्फीति बुरी है। जे एम किन्स अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। कौन थे ये? अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। किन्स का मानना है कि स्फीति और अस्फीति दोनों अर्थव्यवस्था के लिए बुरा है। मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, इसे ही मुद्रा स्फीति कहते हैं। मतलब मुद्रा का मूल्य कम हो गया लेकिन वस्तु का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्फीति कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है? तो देखिए मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति में वृद्धि और उत्पादन में ह्रास। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो लेकिन उत्पादन में ह्रास होगा, उसको मुद्रास्फीति इस कारण से होती है। अब देखिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो देखिए कौन सा उपाय नहीं है? उपभोग में बढ़ोतरी, ठीक है, उपभोग में वृद्धि से मांग में वृद्धि होती है और मांग में वृद्धि से कीमत स्तर में वृद्धि होती है फ्रेंड। अतः इसे मुद्रा स्फीति नियंत्रण नहीं होता बल्कि और बढ़ती ही है, तो यानी उपभोग में बढ़ती हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रा स्फूर्ति को कम करके मुद्रा स्फीति यानी इन्फ्लेशन को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो देखिए विस्फीति कहलाएगी। मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रा स्फीति को रोकने की प्रक्रिया विस्फीति कहलाती है। जिसको देखिए मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रा स्फीति को रोकने की प्रक्रिया को विस्फीति यानी डिस इन्फ्लेशन कहते हैं, कहा जाता है। दूसरी ओर जब मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कर मंदी को दूर की जाती है, ठीक है, तो उसे रिफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यवस्फीति, ठीक है। और ये दोनों जानबूझकर की जाती है। इस प्रकार इन्फ्लेशन के सुधार को डिस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सुधार को रिफ्लेशन कहते हैं।
यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या होगी? अवस्थिति, स्फीति, मंदी या गतिरोध? मुद्रा स्फीति होगी। अभी बताया था आपको मुद्रा स्फीति किस कारण से होती है, तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से होती है। स्टेगफ्लेशन स्थिति है, स्टेगफ्लेशन किस चीज की स्थिति है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति का तात्पर्य है, मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य है फ्रेंड? बजट के घाटे में वृद्धि, ये हो जाएगा बजट के घाटे में वृद्धि मुद्रास्फीति का अर्थ है, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और वस्तुओं की आपूर्ति में कमी से ही मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो हो जाएगा उच्च महंगाई, कम वृद्धि और उच्च बेरोजगारी। यदि पैसे को आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीपीडी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिमाण क्या होगा? तो देखिए मुद्रास्फीति होगी। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति जनक मंदी किसकी अवधि है? तो लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी का। ठीक है, यानी देखिए स्टैगफ्लेशन जिसको स्फीति जनित मंदी कहते हैं, मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी का चलना स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ठीक है, अगर मुद्रास्फीति भी चल रही है तो स्टैगफ्लेशन। सामान्य तौर पर मुद्रास्फीति के दौरान बेरोजगारी कम हो जाती है, परंतु कभी कभी कीमतें बढ़ने पर भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति कब होती है, कब होगी? समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है तब। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो देखिए ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ, महालनोबिस का संबंध द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। चार क्षेत्रीय मॉडल पर यह योजना आधारित थी, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र और घरेलू उत्पादक में। केंद्र केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? तो देखिए इसमें जो है ना गैर संवैधानिक कौन सा है, योजना आयोग जो अब नीति आयोग है ये गैर संवैधानिक संस्था है, लेकिन संवैधानिक संघ, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग और वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक है। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया किसने लिखी थी? तो देखिए ये किसने लिखी थी, सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सर एम विश्वेश्वरैया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान SIS कहाँ स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो कोलकाता में है फ्रेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संविधानेतर संस्था है? तो देखिए योजना आयोग जो है ये संविधानेतर संस्था है, और संघ लोक सेवा जो है ये 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसकी जगह नीति आयोग ने को अस्तित्व में लाया गया। यह भी गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है, 192 भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार जिसको आर्किटेक्ट कहते हैं कौन थे फ्रेंड्स? तो PC महालनोबिस थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी नाबार्ड की स्थापना, 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक और दो मिलान करना है फ्रेंड। देखिए इसका बी होगा, बॉम्बे प्लान जो है वो JRD टाटा ने बनाया था, बॉम्बे प्लान। जन योजना MN रॉय ने। गांधीवादी योजना नारायण अग्रवाल ने। और सर्वोदय योजना ये जयप्रकाश नारायण ने। सर्वोदय किसने? जयप्रकाश नारायण ने। योजना का प्रस्तावक थे ये लोग, क्या किए थे, प्रस्ताव दिए थे।
नेक्स्ट है 194 के बाद 95, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो 6 अगस्त 1952 को गैर संवैधानिक संस्था के रूप में की गई, जिसके अध्यक्ष और सचिव नीति आयोग के अध्यक्ष और सचिव ही होते हैं। ठीक है, इसको NDC भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? NDC। गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एबोलेशन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं, वो तो क्या है मुख्य प्रकार फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा माप तौल में कमी, मिलावट या भ्रामक प्रचार। इन सभी उपभोक्ताओं के शोषण का प्रकार माप तौल में कमी, मिलावट और भ्रामक प्रचार, ये सभी हो जाएगा। नेस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ये कब पारित हुआ था? तो इसका हो जाएगा C 1986 में उपभोक्ता संरक्षण एक्ट लाया गया था। बाल संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट में उपभोक्ता फोरम के 3 स्तर बनाए गए, जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम। नेक्स्ट 199, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सुनने का अधिकार है, तो क्या होगा इसका? राज्य आयोग को राष्ट्रीय आयोग के, ये भी दोनों, तो इसका दोनों ही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को अपील सुनने का अधिकार राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों को है। जिला उपभोक्ता फोरम के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील किया जा सकता है। राज्य उपभोक्ता फोरम में विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में किया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में एक में अपील 1 करोड़ रुपया से अधिक की विवादों को लेकर किया जाता है और राज्य उपभोक्ता फोरम में 20 लाख से अधिक रुपये की विवादों को लेकर अपील किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो हॉलमार्क। अब सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और एक मार्क का प्रयोग उपभोक्ता वस्तु के प्रयोग पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और ISI टिकाऊ उपयोगी वस्तु पर चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स आपने लाइक कर दिया ना, तो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छा चल रहा होगा फ्रेंड्स। थैंक यू।